YouTube चैनल टूल्स फॉर डीआईवाई। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ ये साप की वेल्डिंग मशीन, जो कि मिग वेल्डिंग मशीन है और इसमें आर्क वेल्डिंग भी आप कर सकते हैं। इसको मैंने अमेजोन से बाय किया, इसका बाय लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं इस मशीन का मॉडल नंबर है हैंडी आर्क मिग 200i और ये साप की जो की काफी अच्छी पुरानी कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। ये इन्वर्टर मल्टी प्रोसेस मिग मैक ट्यूबुलर विथ विदाउट गैस और इसमें इलेक्ट्रोड का भी ऑप्शन है। ये मिग वेल्डिंग मशीन है और जैसा कि आप देख सकते हैं सेट फंक्शन इन थ्री स्टेप्स है। यहाँ पर वो सेम चीज है, इस तरह आपको कुछ डिटेल्स दी हुई है जैसा कि आप देख सकते हैं। फ्रंट पे इस पे डिस्प्ले मिल जाता है, एक नॉब मिल जाती है, स्विचेस मिल जाते हैं सब सिलेक्ट करने के और बहुत सारी डिटेल्स है, तो उसको हम बाद में बताएंगे। तो चलिए अब इसको हम अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिल जाता है। तो इसमें खोल के देखते हैं हमें क्या क्या मिल जाता है। तो इसको मैं पहले कट कर लेता हूं। काफी अच्छी और काफी ब्रांडेड कंपनी की मशीन है हिसाब, जो कि अगर आप जानते होंगे ये। तो सबसे पहले हमें ये एक यूजर मैनुअल मिल जाता है, तो देख सकते हैं आप इस तरीके से। इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार, बेहतर होगा अगर आपको जानकारी नहीं है, पहली बार अगर मिग वेल्डिंग मशीन यूज करें। इसके बाद देखिए आप पैकेजिंग देख सकते हैं कितनी बेहतरीन तरीके से पैकेजिंग की गई है। यहाँ पर हमें एक बॉक्स मिल जाता है और इस बॉक्स में हमें ये दो वायर मिल जाते हैं जो कि थोड़े पतले हैं मगर अच्छी क्वालिटी के हैं। और इसकी साइज में बताऊं तो ये देखिए 16 mm के हैं, 16 square mm के हैं। और ये होल्डर है और ये आपका अर्थ है विथ क्लैंप, ये अर्थिंग के लिए है और ठीक ठाक अच्छी क्वालिटी का ये है। फिर हमें यहाँ पर मिल जाता है ये जो मिग वेल्डिंग का टॉर्च गन होता है वायर, ये पूरा सेट मिल जाता है। इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, आप देख सकते हैं ये यहाँ पर कॉपर टाइप का मेटल का बना हुआ है, ये गैस वगैरह के लिए है, ये मिग वायर के लिए है। और ये देखिए ये टॉर्च है, ये स्विच है, यहाँ पर ये आपको मेन वो मिल जाता है। और ये देखिए ये घूमता हुआ है थोड़ा बहुत एडजस्टेबल, ये टॉर्च काफी अच्छी क्वालिटी की लग रही है और ये करीब 2 meters या थोड़ी उससे बड़ी है ये। फिर ये हमें फ्लक्स शील्डेड कोर वायर मिल जाता है 0.8 mm का और जो कि 5 kg का है, काफी हैवी है। ये वायर आप देख सकते हैं और काफी हैवी है, ये देखिए ये वायर है। इसको अभी हम ओपन करेंगे अच्छे तरीके से तो फिर आपको दिखाएंगे, बाकी आप इसकी डिटेल्स देखना चाहे तो देख सकते हैं। फिर हमें ये दो छोटे मिल जाते हैं, इसमें हमें ये दो कनेक्टर मिल जाते हैं इस गन के, जो कि एक मोटा और पतला है, तो आप साइज के अकॉर्डिंग जो है इसमें एडजस्ट करके लगा सकते हैं। साथ ही हमें ये दूसरे इसमें जो है व्हील मिल जाते हैं जो कि साइज के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, ये देख सकते हैं ग्रूव्स बने हुए हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है 0.8 mm, 0.9 mm, 0.6 mm और 0.8 mm और इन दोनों में थोड़ी बहुत साइज का फर्क है, ये देख सकते हैं आप। तो अब हम मशीन को फाइनली बाहर करते हैं। ये हमें एक स्ट्रैप भी मिल जाता है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। तो ये है हमारी मिग मशीन, तो देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से। पीछे हमें ये एक पावर कॉर्ड मिल जाती है 16 एम्पियर की, जो कि काफी अच्छी क्वालिटी की है। 2.5 square mm का वायर मिल जाता है। यहाँ पर एक पूरी मशीन को अगर गर्म होती है तो कूलिंग करने के लिए एक फैन मिल जाता है। यहाँ से हमारा गैस इन होगी जो CO2 गैस हम यूज कर सकते हैं। ये ऑन ऑफ स्विच बटन मिल जाती है, 220 volt AC 50 to 60 hertz पे चलेगी। यहाँ पे कुछ वार्निंग दी है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं इसको। इस साइड आपको कुछ भी नहीं मिलता है, इस साइड आपको ये दो वो मिल जाते हैं आपको ओपन करने के लिए। तो
तो कुछ इस तरीके से ओपन होगा। और यहाँ पर आप जो है ये मिग वायर लगेगा, ये का मोटर वगैरह होता है जो इसमें एक वो लगा हुआ है, वो मिग वायर को पुल करने के लिए है। और यहाँ पर आपको काफी सारी डिटेल्स मिल जाती है, कौन सा वायर कैसे क्या यूज करना है, आप इसको पढ़ सकते हैं। काफी यूजफुल चीज है और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको एक बार जरूर पढ़ें। और इसको इस तरीके से आप बंद कर सकते हैं। और बाकी अभी मैं इंस्टॉल करके आपको दिखाऊंगा मिग वायर। और आगे की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको एक डिस्प्ले मिल जाता है, यहाँ पर वोल्टेज एम्पियर और भी बहुत सारी डिटेल्स मिल जाती है, यहाँ पर टेम्परेचर का मिल जाता है, ये VRD ऑन ऑफ का मिल जाता है, यहाँ पे मिग है विदाउट गैस है, यहाँ पे आर्क वेल्डिंग मशीन का आर्क का है। और यहाँ पर आपको ये नॉब मिल जाती है, बीच इस तरीके की स्विच भी मिलती है, ये आपको पूरा 360 घूमते रहता है। और आपको एक स्विच मिल जाती है एडजस्ट करने के लिए, ये आपको मिग के टाइम यूज करने के लिए, इसको हम प्लस में ऐसे लगाते हैं। और यहाँ से एयर इनटेक बना हुआ है, यहाँ पे हमारी मिग की टॉर्च लगेगी, इसमें हम 0.8 का वायर लगाएंगे जो कि हमें कंपनी देती है, और इसमें हमें गैस की जरूरत नहीं होती है। चलिए मैं अभी आपको इसका इंस्टॉल करने का तरीका बताता हूँ। यहाँ से ये वायर हम खोलेंगे, लेकिन अभी हम खोल देंगे तो ये वायर जो है ओपन होने लगेगा और आप परेशान हो जाएंगे। पहले मशीन को खोलते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पर हम ये इसको इस तरीके से खोल लेंगे, जो जैसे इसको वापस भी वैसे लगाना है, इसको खोल लेंगे इस तरीके से, स्प्रिंग बाहर निकालेंगे और ये दो वार्सल यहाँ पर लगा है, ये दो वार्सल निकालेंगे और फिर ये बाहर आ जाएगा हमारा। इसको लगाने से पहले आप लोगों को ये ख्याल करना है कि ये जो हिस्सा ये नीचे रहेगा, ये देख सकते हैं आप, इसको भी हम खोल लेंगे इस तरीके से, आप इसको इस तरीके से खोल सकते हैं। ये वायर है पूल, इसके अंदर डालेंगे, उसके बाद हम ये इस कवर को लगा देंगे, ये दोनों वार्सल हम लगा देंगे इसको इस तरीके, उसके बाद स्प्रिंग को लगाएंगे एंड देन अब इस वायर को हम थोड़ा कट कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे इसको। और यहां से हम स्क्रू में से जाते हुए तो ये इस तरीके से बाहर आ गया, बाकी का हम इसको इसमें टाइट कर देंगे। ये आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, काम हो गया। और अब चलते हैं आगे की तरफ, इसको हम इस तरीके से बंद कर देते हैं। इसमें मिग में दो ऑप्शन था, एक विद गैस एक विदाउट गैस, तो गैस में की सेटिंग थोड़ी सी अलग होती है, पीछे से आपको CO2 गैस सिलेंडर ऐड करना होता है, बाकी नॉन गैस की सेम होती है। उसके बाद इसमें सेकेंड ऑप्शन होता है, आप इसे आर्क वेल्डिंग भी कर सकते हैं। आर्क वेल्डिंग के लिए जो सिंपली आपको ये होल्डर मिलता है कुछ इस तरीके से, इसको आपको प्लस में कनेक्ट कर देना, ये इस तरीके से। जो आपको ये अर्थिंग का क्लैंप मिलता है, इसको माइनस में कर देना है और यहाँ से हम आगे सेटिंग कर लेंगे। यहाँ से ख्याल रखिए, ये जो अर्थ क्लैंप है ये माइनस में जाएगा, जो होल्डर है ये आपका होल्डर वाला जो है ये आपका प्लस में जाएगा। तो मिग वेल्डिंग करने के लिए तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे विथ और विदाउट गैस वाला, और उसके लिए सबसे पहले हम ये जो हमें टॉर्च मिलती है ये करने के लिए, उसको हम इसमें इस तरीके से ढकेल के वायर को और सिंपली इसको फिट करेंगे। बहुत आराम से इसको फिट करके दोस्तों आप इस तरीके से ये टाइट कर दें, इसका जो भी है थोड़ा बड़ा हिला डुला के आप इसको अच्छे से टाइट कर दें। और देखिए ये देखिए खूब अच्छे से ये टाइट हो गया। इसके बगल में ये जो वायर मिलता है इसको आपको इस माइनस में कनेक्ट करना है अर्थ वाले में, मिग में ये थोड़ा सा उल्टा काम हो करता है, तो इसको हम इस तरीके से टाइट कर देंगे, ये हो गया। उसको अर्थ क्लैंप देंगे, वो हम ये प्लस में कनेक्ट कर देंगे। ख्याल रखिएगा ये उल्टा कनेक्ट होता है, ये अर्थ जो है प्लस में जाएगा। प्लग को लगा लेता हूं और आप 16 एम्पियर सॉकेट में ही लगाएं, 6 एम्पियर सॉकेट में इसको न लगाएं, न लगेगा ये। और यहां से मैं स्विच ऑन कर लेता हूं, यहां से भी हम स्विच को ऑन कर लेंगे और ये देख सकते हैं कि फैन की आवाज आप सुन सकते हैं, फैन चलने लगा है। इससे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और जो सबसे पहले नंबर पे हमें मिल जाता है ये जो वायर, जो मिग वायर होता है, ये जो वायर आपका होता है जो हमने रोल लगाया है, इससे आप उसकी साइज आप चेंज कर सकते हैं, 0.6 से 0.8 दो ही साइज इसको आपको मिल जाती है। और उसके बाद फिर आपको मिल जाता है जो आप काम कर रहे हैं, जो भी प्लेट पे वेल्डिंग कर रहे हैं उसकी मोटाई कितनी है या पतलाई मोटाई जो भी है, थिकनेस कितनी है, वो आप सेट कर सकते हैं। इसमें जो है 0.8 से लेके
आपको जो है 6 mm तक जो है थिकनेस का मेटल वेल्ड कर सकते हैं। अगर आप मिग में यूज करते हैं तो ये वायर स्पीड का काम करेगा, और अगर आप आर्क वेल्डिंग में यूज करते हैं तो ये फिर एम्पियर का काम करेगा, जो मिनिमम आपको मिल जाता है करीब करीब 2 मीटर आरपीएम इसका होता है, जिसको आप बढ़ा के 11 मीटर पर मिनट वायर भी कर सकते हैं। इसके बाद हमें जो है वोल्टेज का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे 13 वोल्ट से लेके आपको 24 वोल्ट तक का ऑप्शन मिल जाता है। ये जो है पहला ऑप्शन, इसमें विथ गैस है, ये वाला विदाउट गैस है जो कि हमें मिलता है, ये इस पे बीच वाले पे हम यूज करके इसको यूज करेंगे। फिर उसके बाद अगर हम आर्क पे करते हैं तो उसके बाद जो है तो ये ऊपर के कोई भी ऑप्शन काम नहीं कर रहे हैं, इसमें सिर्फ आपको एम्पियर सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, जो कि मिनिमम 10 एम्पियर है और मैक्सिमम जो है 140 एम्पियर है। तो अभी हम जो है विदाउट गैस वाले पे कर लेते हैं। वायर की थिकनेस 0.8 mm है, स्पीड को हम जो है 5.5 पे और वोल्टेज को हम जो है 19 पे रखते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें जो है वायर को बाहर निकालना है, क्योंकि हमने वायर को बाहर नहीं निकाला, तो सबसे पहले हम वायर को बाहर निकालते हैं। अभी हम इसमें से वायर को निकालेंगे। इस वायर को निकालने से पहले आप जो ये मिग टॉर्च का वायर है इसको अच्छे से फैला लें, इसको मोड़ के न रखें, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। इस बटन को हम जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये वायर घूमेगा। ये देखिए आप, ये देखिए वायर घूम रहा है और इसमें जा रहा है। अभी इसमें से वायर आ जाएगा और फिर हम उसको कट करके वेल्ड करेंगे। तो ये देख सकते हैं वायर आ चुका है, जैसे हम बटन को प्रेस करते हैं वायर आने लगे। ये देखिए जैसे ही मैं वायर को प्रेस करता हूँ ये वायर हमारा बाहर आने लगेगा। ये देखिए, तो दोस्तों अभी हम जो है वेल्डिंग मशीन टेस्ट करके देखेंगे, और यहाँ पर मैं मशीन लेके आ गया हूँ विथ, और यहाँ पर कुछ लोहे के पीसेस हैं जिसको हम वेल्ड करके देखेंगे, और थोड़ा मैं रोड साइड हूँ दोस्तों, उसके लिए माफी चाहता हूँ, आवाज में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पर आप वीडियो देखें किस तरीके से है और किस तरीके से मशीन वेल्ड कर रही है। तो सबसे पहले मैं ये पीछे से मशीन ऑन कर लेता हूँ। ये देखिए मशीन ऑन हो चुकी है, और जो हम सबसे पहले ये इस लोहे को वेल्ड करके देखते हैं एक बार। इसकी साइज तकरीबन 3 से 4 mm है, तो हम मशीन में सेट कर लेंगे। ये दूसरे नंबर वाले पे यहाँ पे देखिए 2 mm से लेके 1.2 mm से लेके 6 mm तक की वेल्डिंग हम कर सकते हैं। ये हम 3 mm पर सेट कर लेते हैं, और सेफ्टी का पूरा ख्याल रखें दोस्तों जब भी वेल्डिंग करें। तो ये देख सकते हैं मैंने टाका मारा है इस पे, आप क्वालिटी देख सकते हैं इसकी। इसको पलट के भी मैं थोड़ा सा वेल्ड कर लेता हूँ। अब मैं इसको पूरा वेल्ड करके भर लेता हूँ, तो देख सकते हैं। ये इस वेल्डिंग मशीन से हमने इसको फिल कर दिया है, और आप क्वालिटी देख सकते हैं इस तरह की क्वालिटी आई है। चलिए हम इसको दूसरी साइड से भी फिल करके देखते हैं। अभी हम थोड़ी सी सेटिंग चेंज करेंगे यहाँ पे 3 की जगह हम 4 mm पे वेल्ड करेंगे। अभी हम इसको 5 mm पे सेट करेंगे और वेल्ड करेंगे। इस तरीके की ये वेल्ड हुई है, ये 3 mm है, ये 4 mm है और ये 5 mm है, और एक बार हम 6 mm पे करके देखते हैं इसको। देख सकते हैं 6 mm की है ये, जो कि पूरा इसने पीछे से भी रेड कर दिया है। अभी हम इस 1.5 इंची के प्लेट को वेल्ड करेंगे। इस बार हम बीच में थोड़ा सा गैप रखेंगे। ये मैंने टाका मारा है और इसको हम पूरा भर देंगे, और अभी जो सेटिंग है इसको मैं 4 mm पे कर लूंगा और इसको हम पूरा भरेंगे।
इस तरीके की क्वालिटी आई है क्योंकि काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। अब हम इसको दूसरी तरफ से भरेंगे। कितनी अच्छी बीड आई है। यहाँ पर हम एक बार और वेल्ड करते हैं और देखते हैं। ये सेटिंग 6 mm पे है। तो आपने देखा कुछ इस तरीके की वेल्डिंग हुई है। अभी एक दो और वेल्ड मैं आपको लोगों को करके दिखाऊंगा, एंगल वेल्ड करूंगा, जो कि काफ़ी अच्छे से वेल्ड हो रही हैं। अब इस पट्टी को मैं इस तरीके से रख के वेल्ड करूंगा और आपको वेल्डिंग की क्वालिटी मैं दिखाता हूं। और मशीन को मैं 3 mm पे सेट कर लूँगा। अभी मैं सेटिंग को चेंज करूंगा और इसको मैं 4 mm पे करूंगा। आप क्वालिटी देख सकते हैं किस तरीके की क्वालिटी है।